दोस्तों, आपके हाथ पैर में झुनझुनी रहता है, कान में बहुत तेज़ दर्द रहता है, सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है काफ़ी समय से, तो इसे आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ये सारी लक्षणें हैं वो नसों के कमज़ोर होने की वजह से होते हैं। इसे हम साइटिका का दर्द भी बोलते हैं। ये काफ़ी तेज़ दर्द होता है और ये नसें ब्लॉक होने की वजह से होने लगता है। इसमें आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी काफ़ी तकलीफ़ आती है, सांस फूलने लगता है, जोरों में दर्द रहने लगता है, हाथ पैर में चींटी काटने जैसा महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी के लक्षण सामने दिखने लगते हैं। दोस्तों, ये जो झुनझुनी होती हैं या चींटियाँ काटने जैसा महसूस होता है, ये नसों के डैमेज होने की एक लक्षण है। जब हमारा खून का प्रवाह ठीक ढंग से नहीं होता है तो इससे ये सारी जो तकलीफ़ें हैं वो सामने आने लगती हैं। इसके अलावा सिर पे बहुत तेज़ दर्द होना, माइग्रेन का दर्द होना, ये सारी समस्याएं बहुत ही गंभीर रूप लेने लगती हैं। यहाँ तक कि हमारा जो अंग है, ज़्यादातर ये हमारे कमर के नीचे का अंग, वो धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। तो इस स्थिति में इसे रोकने के लिए हम घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। दोस्तों, जो मैं आज घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ बहुत ही असरदार है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक ढंग से प्रवाहित होने देगा, जिससे आपकी जो ये नसों की कमज़ोरी की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। तो चलिए जानते हैं आज के नुस्खे में हमने क्या इस्तेमाल किया है और इसे कैसे बनाया है। दोस्तों, आज का नुस्खा बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बर्तन लिया है। गैस का फ्लेम ऑन कर लें और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक कप से पानी। दो कप पानी हम लेंगे। दोस्तों, वही कप का आप इस्तेमाल करें जिस कप से आप इसे पियेंगे, उस कप से दो कप पानी लें। ज़्यादातर जो चाय पीते हैं ना, छोटी वाली कप, उसका ही इस्तेमाल करें। अभी यहाँ पे हमने लिया है सेंधा नमक। सेंधा नमक एक चुटकी लेना है। सेंधा नमक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिनको भी साइटिका का दर्द है, नसों की समस्या है, वेरिकोज का दर्द होता है, या फिर उनकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, हड्डियों में काफ़ी दर्द रहता है, उनके लिए रामबाण माना जाता है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर लेंगे वो है अजवाइन। अजवाइन भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अजवाइन के बहुत सारे फ़ायदे हमने पहले भी बता दिया है। ये पेट में दर्द नहीं होने देता, पेट पाचन क्रिया को ठीक रखता है, हमारे खून को ठीक ढंग से साफ करता है। कोलेस्ट्रॉल, जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये जो वज़न कम करना चाहते हैं, पेट का ज़्यादातर पेट में जो चर्बी हो जाती है, उनको भी ये दूर करेगा। गठिया अर्थराइटिस के दर्द में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। जॉइंट पेन को ये ठीक करता है। जिनके हाथ पैर में सूजन हो गया, उनके लिए भी रामबाण है। सर्दी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पे सिर्फ आधा चम्मच, बड़ी वाले चम्मच से आपको अजवाइन लेनी है। अभी इसमें हम डालेंगे दोस्तों हरशिंगार की पत्ती। आप देख लीजिए, हरशिंगार की पत्ती कुछ इस प्रकार से दिखती है और ये बहुत आसानी से मिल जाती है। बाग बगीचे में लगे होते हैं इसके पेड़, वहाँ से पत्तियाँ को आप लेकर आएँ। पत्तियाँ को सिर्फ ऐसे ही नहीं उबालें तो ये फ़ायदा नहीं करेगी। पत्तियों को बहुत अच्छे से पहले धो लें दोस्तों, और धोने के बाद इसे हाथ से निचोड़ लें। जैसे मैं दिखा रही हूँ, मोड़ तोड़ के इसे निचोड़ लेना है। सिर्फ दो पत्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है। ये बहुत ही अच्छा होता है, साइटिका के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है। आयुर्वेद में इसे आज से नहीं दोस्तों, बहुत ही पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग जड़ी बूटी बनाने के लिए। ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, किडनी की जितनी भी समस्याएं हैं रोगों को दूर करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, पेट में अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उनको भी ये दूर करता है। इसे डायबिटिक वाले लोग भी आसानी से ले सकते हैं, साथ ही साथ जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी लोग इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये सर्दी खांसी में भी काफ़ी आराम दिलाता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। और ये जो भी जॉइंट की दर्द की समस्या है या फिर नसों की कमजोरी से जो दर्द होती हैं, गठिये की दर्द, सभी में
ये बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है, हरसिंगार की पत्तियाँ। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है दोस्तों और किन सारी चीज़ों के साथ करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कितनी मात्रा में लेना है, क्या क्या लेना है, किन सब चीज़ों के साथ लेना है, सारा कुछ मिलाकर ही ये फ़ायदेमंद होती हैं दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे केसर। केसर बस दो धागे इसके डालने हैं दोस्तों, ज़्यादा केसर नहीं डालना है। और केसर को डालने के बाद इसे फेंट लेना है, बस दो रत्ती केसर लेना है। केसर के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हर तरह से बीमारियां नहीं लगने देता है। और केसर की वजह से हमारी जो नसें की समस्या है वो भी दूर होती हैं, हड्डियां भी मजबूत होता है। तो देखिए अभी इसे हम डालेंगे इसमें बहुत ही थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर से दर्द को खींचने के लिए। अब हम इसे ढककर, जैसे मैं दिखा रही हूँ इसमें छेद है दोस्तों ढक्कन में, इसलिए भाप यहाँ से निकल रही है। अगर आपके जो भी चीज़ से आप ढक रहे हैं उसमें अगर छेद नहीं बनी हो, प्लेट से ढक रहे हैं, तो थोड़ा भाप को निकलने का जगह बना लें। और इसे लो और मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है कम से कम 5 मिनट के लिए दोस्तों। तब 5 मिनट में ये जो आपका पानी है देख लें, अगर 5 मिनट में नहीं हो तो इसे 6-7 मिनट तक पकाएं। आपने जो 2 कप पानी लिया था वो सिर्फ 1 कप ही बचनी चाहिए, ठीक है। और इसे हो गया है 6 मिनट, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पानी भी अब आधा हो गया है। तो इसे अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हल्का गुनगुना होने देंगे। हल्का गुनगुना जब ये हो जाएगा, यानी चाय की जितनी गर्म होती है उतनी गर्म, तो इसे हम एक कप में निकाल लेंगे, छान कर निकाल लेंगे कप में। और इसे हमें लेना कैसे है वो मैं आपको बता दूँ। इसे हमें 2 वक्त लेना है, एक आप इसे सुबह नाश्ता करने के 15 मिनट के बाद लें, और एक शाम को आपको लेना है जब आप शाम को नाश्ता करते हैं, यानी शाम को थोड़ा बहुत नाश्ता ले लें, साग सब्जियां खा लें, फल खा लें, और उसके साथ आप इसे 15 मिनट के बाद आप इसे चाय की तरह सिप सिप करके पी सकते हैं। बहुत ही लाभकारी होता है दोस्तों ये, आपकी जो भी दर्द की समस्या है, गठिये का दर्द है, नसों में ब्लॉकेज है, वेरिकोज वेन का दर्द है, या फिर आपको साइटिका का दर्द है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, या फिर आपको चीनी मधुमेह का प्रॉब्लम हो, सारा कुछ इससे दूर हो जाएगा। सिर्फ आप इसे आजमाना शुरू कर दें दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। शुक्रिया।